एक बार मेरे तरीके से सूजी का पापड़ आप जरूर बनाइएगा। नमस्कार जी, कुक सुपर उर्मी चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सूजी के बहुत ही क्रंची क्रिस्पी पापड़ की रेसिपी। दोस्तों, बिना बेले आप अगर इस तरीके से सूजी का पापड़ बनाओगे तो पूरे साल भर के लिए ये पापड़ चलेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलो दोस्तों, फटाफट आज की रेसिपी की करेंगे शुरुआत। सूजी पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम सूजी लिया है। ये एकदम बारीक वाला सूजी लिया है। आपके पास अगर बारीक वाला सूजी नहीं है, थोड़ा सा मोटा है, तो मिक्सर जार में थोड़ा सा पीस लीजिए तो एकदम बारीक हो जाएगा। यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन करके यहाँ पर बड़ा सा टोप ले लिया है। अगर छोटा पड़ेगा टोप तो मेरे पास इससे बड़ा भी है, वो ले लेंगे। तो जिस बाउल से मैंने रवा लिया था उसी बाउल के नाप से हम ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर मैंने 8 बाउल भर के ऐड किया है पानी। ये वाला टोप पूरा भर गया है पानी से, तो हम बड़ा वाला अभी भगोना लेने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बड़ा वाला भगोना ले लिया है। इसको हम गैस के ऊपर रखेंगे और छोटे भगोने में पानी भर के रखा था ना, वो बड़े भगोने में ऐड कर देंगे। सूजी का पापड़ बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप एक कटोरी सूजी का ले रहे हो तो उसी कटोरी से नाप के आप 8 कटोरी भर के पानी ऐड करना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल भर के सूजी लिया था तो 8 बाउल भर के मैंने पानी ऐड किया है। तो दोस्तों, पानी के अंदर मैंने एक चम्मच ऐड कर लिया है जीरा और एक चम्मच मैंने ऐड किया है तिल। एक चम्मच भर के हम पापड़ खार ऐड करेंगे। एक चम्मच से थोड़ा कम लग रहा था पापड़ खार, तो थोड़ा और ऊपर ऐड कर देंगे। तो टोटल मैंने एक चम्मच भर के पापड़ खार ऐड कर लिया है। और यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स नहीं है, मेरे पास लाल मिर्च था ना, उसको थोड़ा सा पहले मैंने गैस के ऊपर गर्म कर लिया ताकि क्रिस्पी हो जाए, तो कड़क हो जाए, तो मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट के ऐड कर लिया है और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लिया है। आपके पास अगर चिली फ्लेक्स है तो आप चिली फ्लेक्स ऐड कीजिए। और साथ में ही मैंने ऐड कर लिया है रवा। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैंने रवा भी ऐड कर लिया है। दोस्तों, नमक ऐड करते टाइम ध्यान रखना है ज़्यादा नमक ना ऐड हो जाए, क्योंकि पापड़ सूख जाते हैं ना, तो फिर कई बार नमक ज़्यादा हो जाता है। नमक ऐड करते टाइम ही थोड़ा सा ही नमक ऐड करें। तो अब हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। 10 से 15 मिनट लगेगी इसको गाढ़ा होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप कम मात्रा में बना रहे हो तो 7 से 8 मिनट में ही गाढ़ा हो जाता है, पर मैंने ज़्यादा मात्रा में बनाया है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट तो लग ही जाएगी। तो दोस्तों देखिए, 5 मिनट में इतना गाढ़ा तो हो ही चुका है। पहले मैंने हाई गैस के ऊपर ही पकाया है, पर अब मैं गैस की फ्लेम को स्लो करूँगी ताकि भगोने के नीचे रवा चिपक ना जाए। मैं चेक करूंगी हाथ की सहायता से। देखिए, रवा एकदम गल चुका है दोस्तों, बिल्कुल भी हाथ में लग नहीं रहा है कि ये रवा है। एकदम सॉफ्ट हो चुका है रवा और पापड़ का बैटर एकदम अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। देखिए, इस तरीके का होना चाहिए। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको चलाते हुए, बीच बीच में चलाते हुए ठंडा करेंगे। अगर ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो ऊपर परत जम जाएगी, इसलिए हमें बीच बीच में चलाते रहना है। और यहाँ पर मैंने पापड़ बनाने के लिए इस तरीके का चम्मच लिया है। देखिए, इससे ना पापड़ बहुत आसानी से बनते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम पापड़ को बनाते जाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं दोस्तों पापड़। इस तरीके से डाल ले बैटर और गोल गोल घुमाए, अपने आप ही पापड़ बन जाएगा। मैंने थोड़ा सा मोटा रखा था पापड़ को, आप चाहे तो पतला भी कर सकते हो। ये देखिए, मैंने आंगन में सुखाया हुआ है, मेरे गार्डन में ही। तो दोस्तों, अभी शाम का टाइम है, 5 बजने को आया है। मैंने 11 बजे पापड़ को सुखाया था, अभी 5 बजे मैं इसको उठा रही हूँ। बीच में मैंने इसको पलटा के भी रख दिया था। ये देखिए, अभी कल भी मैं इसको सुखाने वाली हूँ। दोस्तों, ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन की शाम को ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। दूसरे दिन भी मैंने धूप दिया है, तो ओनली 2 दिन लगे हैं। मैंने थोड़ा सा मोटा पापड़ रखा था, फिर भी ये 2 दिन में पक के तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छे से तैयार हुआ है, बिल्कुल भी मोटा नहीं लग रहा है दोस्तों। मैंने जब इसको फैलाया ना तो मुझे मोटा लग रहा था, तो दूसरे दिन अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो मैं आपको थोड़ा सा फ्राई करके दिखाती हूँ पापड़ फूलते हैं कि नहीं, चलो हम चेक करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था, आप कौन सा भी ऑयल ले सकते हो। ऑयल अच्छे से गर्म होना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही बड़ा फूल के पापड़ तैयार हो चुका है दोस्तों, और भी मैं एक दिन उसको सुखा दूँगी ताकि ये पूरे साल भर के लिए चले। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही क्रंची बने हैं, हम आपको आवाज़ करके भी दिखाते, देखिए तोड़ के दिखाते कितना क्रंची बना है। हाथ में लेते ही टूटने लगते हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना, तो आप ज़रूर बनाइए। मैंने ये 1 किलो का पापड़ बनाया और मैंने अकेली ने बनाया है, कोई मुझे हेल्प नहीं की थी। बहुत आसानी से बन जाता है, आप भी ज़रूर बनाएं दोस्तों। बाय बाय।